बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लियान कराची के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। वो तालिबे इल्म जो जिनका इस वक्त नसीब प्री प्लान खराब कर दिया गया, जिनको बर्बाद कर दिया गया, जिनके रिजल्ट तबाह कर दिए गए और बेचारे अपना सर पीट रहे हैं कि हम तो जी फर्स्ट ईयर में इतनी परसेंटेज लेकर आए थे 90 और आज हम सारे सब्जेक्ट में फेल हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं तो रोता हूँ कराची के हालात पे। लेकिन एक बहुत अच्छी खबर उन तालिबे इल्मों के लिए कि इस वक्त लम्स यूनिवर्सिटी की टीम आज आई है यहाँ पर कराची और इन्होंने आज जेडीसी का हाउस ऑफ एजुकेशन स्कूल विजिट किया। उसके बाद एक कराची के तालिबे इल्मों के लिए बहुत बड़ी खबर है कि अगर आप 70-80 लाख रुपए की तालीम मुफ्त में हासिल करना चाहते हैं लम्स यूनिवर्सिटी में और आपको ट्रेनिंग के लिए भी जब लेकर जाएंगे वहां तो आपको अच्छे होटलों में ठहराएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, सब कुछ, उसके लिए क्या प्रोसेस है, कैसे सब कुछ मुमकिन होगा, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, क्या स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, मेरे साथ अशर साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अशर भाई, कैसे खैरियत से? अब्दुल्ला साहब अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? कराची में आप इतना अच्छा पैगाम लेकर आए, क्या मैसेज है लोगों को बताएं ताकि अपने बच्चों को बताएं, तालिबे इल्म इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। भाई इंटर वाले बताइएगा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ग्रेटफुल टू जफर साहब जिन्होंने हमें वक्त दिया, आप लोगों के साथ बात करने का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। हमारा जो मकसद है कराची में आने का वो है एजुकेशन को प्रमोट करना, हायर एजुकेशन को यूनिवर्सिटीज में, एजुकेशन को जितना ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए प्रमोट किया जा सके, आसान बनाया जा सके, ये हमारा मकसद है। लम्स नेशनल आउटरीच प्रोग्राम के बिहाफ पे हम कराची में विजिट कर रहे हैं और इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि वो स्टूडेंट्स हु आर फाइनेंशियली चैलेंज बट दे आर ब्रिलियंट इन देयर एजुकेशन, मेहनती हैं बच्चे, वो लोग इस प्रोग्राम से स्कॉलरशिप से फायदा उठा सकते हैं। इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशंस इस वक्त हम एक्सेप्ट कर रहे हैं जिसकी आखिरी तारीख 12 मार्च 2024 है। सो मेक श्योर कि इस डेट से पहले आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। लिंक आपको एप्लीकेशन का वीडियो में भी मिल जाएगा, आप उस लिंक के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और इस एप्लीकेशन के बाद अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो इस क्राइटेरिया को अगर आप फुलफिल करते हैं तो आपको 4 साल लम्स में नेशनल आउटरीच प्रोग्राम स्कॉलरशिप के जरिए एजुकेशन दी जाएगी, आपकी अकोमोडेशन, आपकी रेजिडेंस, आपकी रेजिडेंस और इसके अलावा डिपेंडिंग ऑन योर फैमिली सर्कमस्टांसिस आपको हर सेमेस्टर में एनुअली एक स्टाइपेंड भी दिया जाएगा ताकि आप अपने रोजमर्रा के जरूरियात अखराजात पूरे कर सकें। और इन टोटल इट्स अ स्कॉलरशिप ऑफ मोर देन 5 मिलियन रुपीज जो कि आप लोगों के लिए है और आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज में ऐड करना चाहेंगे कि जो स्टूडेंट्स, सॉरी आपकी बात करता हूँ, देखें बात समझने वाली है, 50 लाख रुपए फीस बोली आपने जी, बिल्कुल मुफ्त, उसके अलावा महाना अखराजात मिलेंगे जिससे आप अपने और अपनी फैमिली के खर्चे भी पूरे कर सकते हैं, कुछ छोटी ऑफर नहीं है। और लम्स मेरे ख्याल में पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। आगे बताइए प्लीज। अच्छा, उसमें अशर साहब ने जिस तरह बताया उसमें कुछ चीजें मैं ऐड ये करूंगा कि वो स्टूडेंट्स जो मेडिकल और मेडिकल के अलावा कोई भी करियर परस्यू करना चाहे, हमारे पास बिजनेस स्कूल है, हमारे पास लॉ स्कूल है, हमारे पास सोशल साइंसेस का स्कूल है, हमारे पास स्कूल ऑफ एजुकेशन है, तो किसी किस्म, क्योंकि देखें इंजीनियरिंग और मेडिकल से बाहर आके बहुत सारी फील्ड हैं जहां पर हमें जाने की जरूरत है, तो वो फील्ड्स एक्सप्लोर करें। लिंक आपको कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, आपकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। हम जफर साहब के, जफर भाई के बहुत शुक्रगुजार हैं, हम इनके पास आए, इन्होंने हमें बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया और इसी प्लेटफॉर्म की बेस पे लम्स नेशनल आउटरीच प्रोग्राम, इट्स अ स्कॉलरशिप प्रोग्राम, वो बच्चे जो फर्स्ट ईयर में है वो अप्लाई करें एंड दे कैन अवेल द डिग्री। देखिए बहुत बड़ी ऑफर है, एक दफा फिर कराची के वो तालिबे इल्म जो इंटर कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी ऑफर है कि अपना फ्यूचर, अपनी अपना नहीं, अपने घर का, अपने खानदान का नसीब जगा लेंगे कि आज लम्स वाले आपको खुद ऑफर कर रहे हैं वो यूनिवर्सिटीज जहां का ख्वाब देखते थे आपके पेरेंट्स, जहां का ख्वाब आपने शायद देखा ही ना हो, दिखाया ही ना हो किसी ने आपको कि जी यहां तक आपकी पहुंच हो सकती है, तो वो आज आपको खुद ऑफर कर रहे हैं कि आ जाइए, इंटर के बाद फॉर्म, फर्स्ट ईयर के बाद फॉर्म भरेंगे, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, इस वक्त एप्लीकेशंस ओपन है, और जिन्होंने सेकंड ईयर कर लिया है वो बच्चे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं लम्स में एडमिशन के लिए, उसके लिए भी एक सेपरेट प्रोसेस है, लेकिन इस वक्त जो एप्लीकेशंस एक्सेप्ट कर रहे हैं उसमें फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई किसी के रिजल्ट में कोई ज्यादती हुई है या कोई इस बार बहुत बड़ा एक जुल्म हो गया कराची के तालिबे इल्मों के साथ तो वो भी अप्लाई कर दें जी, अप्लाई बिल्कुल करें। ठीक है, मैं बस आप तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा इस चांस को अवेल करें और इस वीडियो को लाजमी अगर व्हाट्सएप पे मिल जाए तो फॉरवर्ड कर दिएगा। 31 मार्च ना, 12 मार्च बहुत टाइम है, और जिसको लिंक ना मिल रहा हो जेडीसी के पेज पे आ जाना, इस वीडियो के ऊपर लिंक डला होगा। आज डेट क्या है? 1 फरवरी है, पहली फरवरी की वीडियो भी इसके पोस्ट पे लिंक लो, हम आपको अपने सुबह सिंध की सौगात पेश करना चाहेंगे, प्लीज आइए। थैंक यू। आप हमारे सुबह में आए और आपने हमारे शहर के लोगों के लिए सर बहुत बड़ी ऑफर की है, ये सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके पूरे इंतजामिया के लिए, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, थैंक यू।